किसी ने मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है आपने बिग बॉस करने का सोचा है? नहीं सोचा है गाइस, और मुझे नहीं सोचना है फिलहाल, बट या दैट्स ऑल। कौशल पूछ रहे हैं कि मैं घर पे क्या कर रही हूँ। मैं बहुत सारी सीरीज़ देख रही हूँ, मैं काफ़ी सारे उर्दू सीरियल्स देख रही हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं फ़िलहाल देख रही हूँ ब्रेकिंग बैड, बहुत अच्छी सीरीज़ है, तो आप भी देख सकते हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो यू कैन वॉच दैट। इतनी मतलब नई नहीं है, ऑब्वियसली इट्स एन ओल्ड वन, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आई वुड से। सो देख सकते हो आप, प्लीज़ घर पे हैं देखो, आई एम श्योर आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। आपको घर में ही यू नो रहना चाहिए, बिकॉज बाहर जाना ज़्यादा सेफ नहीं है, और ये बहुत जल्दी ही ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। सो या अच्छा, गौरव शर्मा कह रहे हैं उनके भाई का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू गौरव ब्रदर। हाय साहिल वरसानी, हाय सोना साहा, हाय लकी डांसर, हाय निशु जैन, नायरा नायरक, शया सुरेश, वो कह रहे हैं कि आपको कलर्स में मज़ा आ रहा है। ऑफकोर्स गाइज, मेरा नया शो आ रहा है कलर्स पे, एंड आई हैव डन सो मेनी शोज विद कलर्स। आई हैव डन सुरागिनी देवांशी, आई हैव डन झलक, आई हैव डन लॉट ऑफ अदर शोज रियलिटी में। सो ऑफकोर्स इट्स वेरी क्लोज टू मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी। होपफुली आफ्टर कोरोना देखेंगे। हाय अर्पिता, हाय बबलू पठान, थैंक यू। युवराज ही सेइंग उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे युवराज। हनी भगत, थैंक यू। व्हाट मैं क्या देख रही हूँ, मैं काफ़ी सारी लिमिटेड सीरीज देख रही हूँ, मतलब 10-15 एपिसोड वाली, जो मुझे पता है कि वो जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करूँगी। एंड आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज ऑल्सो, सो मैं काफ़ी सारी पुरानी फिल्म्स देख रही हूँ जो मैंने नहीं देखी हुई है, इंडियन फिल्म्स पुरानी, 20-25-30-40 साल पुरानी, जो नहीं देखी है। सो हाँ, वो सारी देख रही हूँ, आप भी वो देख सकते हो, बिकॉज हमें नॉर्मल लाइफ में उतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप ये जो टाइम अभी हमें मिला है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो या गौरव गहलोत का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गौरव। थैंक यू हेलिशा ग्रुप GRP। ओके वेरा, थैंक यू ओम प्रकाश। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? हाय भाविनी, हाय, थैंक यू। यूजर 2451221431, ही इज आस्किंग मी कि आपने क्या पढ़ाई किया है। आई हैव स्टडीड, आई हैव डन माई बैचलर्स इन केमिस्ट्री, एंड येस उसके बाद मैंने मास्टर्स नहीं किया है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग माई मास्टर्स ऑल्सो, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है शूट वगैरह के साथ, यू नो सारी चीज़ें कोप अप करने का, और नहीं हो पाता है, बट मैंने बैचलर्स भी वैसे ही किया है, सो माइट एज वेल आई थिंक आई विल डू मास्टर्स ऑल्सो। या फिर मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप रामायण देख रहे हैं? गाइस मैंने नहीं देखा है, मैंने डिसाइड किया था मैं देखूंगी बट दिमाग से निकल गया, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कैच अप विद दैट। सो या समबडी इज आस्किंग मी योर फेवरेट मूवी, बहुत सारी मूवीज़ है यार, बहुत सारी अच्छी लगती है, मतलब एक डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक ब्यूटिफुल माइंड, इट्स एन अमेजिंग मूवी, बहुत अच्छी लगी मुझे। मुझे अगर इंडियन मूवीज़ की बात करूँ तो मुझे सीक्रेट सुपरस्टार बहुत अच्छी लगी, मतलब मैं हमेशा जब भी देखती हूँ आई यार दैट फिल्म मेक्स मी क्राई।
वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. देन और कौन सी, PS आई लव यू, वो भी बहुत बहुत अच्छी फिल्म है. परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है. सो और भी बहुत सारी है यार. आई रियली लाइक डोंट ब्रीद, काफ़ी थ्रिलिंग है. ऐसे आप सीट के एच पे रहोगे हमेशा जब भी देखोगे. किसी ने मुझे पूछा मस्ती विथ योर इसमें मजावा टू को स्टार्स. यार हम जब शूट मतलब अभी तो नहीं कर रहे हैं, बट हम इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं, लाइक ईच एंड एवरी बडी इज जस्ट मैड मैड. गाने गाते हैं, मस्ती करते हैं, क्या क्या एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मज़े करते हैं. बने क्यों आप ही दो ना गाइज, मेरे ओट्स बन गए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको. वो अभी आ जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिख रहे हैं वो. है ना, कोई मुझे पूछ रहा है आपका फेवरेट गाना. बहुत सारे यार, आई मीन अभी तुरंत एकदम याद नहीं है. आफरीन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. दुनिया ध्वनि भानुशाली वाला जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई मीन इट्स नाइस. कोई कह रहा है कि उन्हें ओट्स नहीं पसंद है. गाइज ओट्स नहीं पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हो जो मैंने जैसे बताया, बिकॉज काफ़ी पसंद आएगा आपको. इट्स नॉट लाइक रेगुलर ओट्स, टेस्टी बना के खा रही हूँ मैं. एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि उसमें बहुत सारी सब्जियाँ डाली है. सो या समबडी इज़ आस्किंग वेयर यू लिव. मैं मुंबई में हूँ. मैं हूँ वैसे अहमदाबाद से, बट मैं रहती मुंबई में हूँ. ओके, थोड़ा खिचड़ी टाइप दिखेगा गाइस, बट डोंट माइंड. टेस्ट में बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए अच्छा होता है. सो आई डोंट नो, ये ऐसा दिखता है. कैबेज नहीं होती है यूजुअली, बट क्योंकि हमें सब्जियों की मात्रा बढ़ानी थी तो हमने डाल दी कैबेज. वरना कॉलीफ्लावर डाल सकते हो आप, वो टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है. कोई पूछ रहा है पेरेंट्स भी मेरे पास में साथ में रहते हैं. नहीं गाइस, वो लोग रहते हैं अहमदाबाद में, मेरे होम टाउन में. सिया ओके, तो अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ फ्यू फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स. तो स्टार्टिंग हम करते हैं मेरे फेवरेट फाउंडेशन से. ये मैं हमेशा अपने शूट पे यूज़ करती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम Estee Lauder एंड ये मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा सूट करता है. मतलब बहुत सालों बाद मुझे एक फाउंडेशन मिला जो जिससे मुझे पिंपल्स नहीं आते, जो लगाने के बाद ऑक्सीडाइज नहीं होता है. ऑक्सीडाइज मतलब थोड़ा सा काला नहीं पड़ता है. एंड या इट जस्ट गोज़ वेरी वेल विथ माई स्किन, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी परेशान करती है मुझे, क्योंकि कभी भी पिंपल आ जाते हैं लाइक नॉर्मल गर्ल्स. देन आई विल शेयर माई फेवरेट पाउडर जो हम यूजली फाउंडेशन के ऊपर पाउडर लगाते हैं. गाइज ये सारी चीज़ें मैं शूट पे यूज़ करती हूँ. अभी घर पे आजकल मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ. अभी मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है एंड हाँ थोड़ा सा पाउडर भी किया हुआ है, बट या सो दिस इज़ माई फेवरेट पाउडर जो शूट पे यूज़ होता है. ये एक ब्रांड है स्मैश बॉक्स, उसका है एंड इट्स वेरी नाइस. सो एंड देन आई शेयर माई फेवरेट ब्लश जो हम ब्लश लगाते हैं. लड़कियों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है. सो या अच्छा पलक का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे पलक. हाय ललिता. ओके सो ये एक ब्लश का पैलेट है. आई ओपन इट एंड शो यू कैसा दिखता है. ये ऐसा है, एक तरफ से टूट गया है नीचे वाला, तो मैंने एक छोटे से डब्बे में उसको डाल के रखा है. सो या ये है. ओके कोई पूछ रहा है डू यू लाइक डोरेमोन. यार मैं बचपन में बहुत ज़्यादा देखती थी, बहुत 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 ज़्यादा देखती थी. जब मेरा भाई देखता था तो मतलब मैं उसके साथ बैठ जाती थी और मैं काफ़ी इन्जॉय करती थी. कोई पूछ रहा है वेट लॉस के लिए कुछ बताओ. गाइज एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ एंड
व्हाट इज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड साथ में आप क्या खाना खा रहे हो, डाइट क्या कर रहे हो वो ज़रूरी है. डाइट डजंट मीन कि आप अपने आप को भूखा रखो. डाइट मीन्स कि आप हेल्दी खाना खाओ और जंक फूड ना खाओ. सो ओके एंड ओके सो ये एक काजल पेंसिल है बट ये ब्लू कलर की है. आई डोंट नो मैं कहाँ लगा के दिखाऊँ. एनीवे अगर ये दिखेगा ये ब्लैक नहीं है, इट्स अ ब्लू बोला मैंने, सॉरी ब्राउन है ये. ये ब्राउन है एंड इसमें हल्का सा ग्लिटर है तो मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है एंड इट्स वेरी स्मूथ. सो ये है सेफोरा की. मेरी आंटी को लगा कि मैं उनको बुला रही हूँ या उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेले अकेले बात कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है. ओके हाय धीरज. ओके तो लास्टली मैं आपको आप सबके साथ मेरी फेवरेट तीन चार लिपस्टिक शेयर करूँगी, ठीक है. एंड या हाय रितिका, हाय हाय रियाज, थैंक यू रियाज, हाय हिबारा, हाय आई जय भानुशाली, हाय नबू. ओके सो स्टार्टिंग विथ अ पिंक शेड. पिंक हर लड़की को पसंद होता है तो वैसे मुझे भी बहुत पसंद है. सो दिस इज वन शेड. ये स्मैश बॉक्स का है एंड इट्स कॉल्ड ऑलवेज ऑन लिक्विड लिपस्टिक बेब अलर्ट. काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है. मैंने पहली बार एक्चुअली नाम देखा पता है आप लोगों को दिखाने के लिए, वरना मुझे भी नहीं पता था कि मेरे लिपस्टिक्स के क्या नाम है. एनीवे हेलो सोनू सिंह, हाय. ओके सेकेंड लिपस्टिक इज दिस वन जो मैंने अभी लगाई हुई है. इट इज ऑरेंज टाइप का कलर है, हल्की सी ग्लॉसी है. इट्स कॉल्ड सी शियर. मैक की है और अच्छी है. सबरीन का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सबरीन. ओके सेकेंड लास्ट लिपस्टिक जो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी बहुत ये तो सबसे फेवरेट बोल सकती हूँ मैं. ये है ये कैसा कलर है, कोरल जोन में जाता है, थोड़ा सा ऑरेंज टिंट है और इसको कहते हैं बी लेजेंडरी लिपस्टिक ऑफ स्क्रिप्ट मैट. स्मैश बॉक्स की है. अगेन पहली बार देखा मैंने इसका नाम. आई थिंक यू आर ऑल्सो गुड इन स्टडी. हाँ जी मैं काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई में, हमेशा रैंक आते थे मेरे 1, 2, 3 में बोर्ड पे. मतलब मेरा एक गोल होता था कि जब भी रिजल्ट आए तो बोर्ड पे. यूजुअली हमें पता है कि बोर्ड पे पता है 1, 2, 5 रैंकर्स जो क्लास के होते हैं उनके नाम होते थे. तो मेरा वो होता था कि मेरा गोल ये होता था कि मेरा बोर्ड पे नाम होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट. सो मैं बहुत पढ़ती थी और आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज. हाय शदा, हाय. हेलो गुनू, कोई पूछ रहा है क्या मैं गुजराती हूँ. हाँ जी मैं गुजराती हूँ. हेलो शिवी, हाय रोहित, हाय हाय. मैं हाँ जी मैं मुंबई में हूँ. और बताइए गाइस. मी फेवरेट एक्टर, फेवरेट यार लगने ना लगने से क्या होता है, मैं गुजराती हूँ, ठीक है. हाय सुरुचि, स्पीक समथिंग इन गुजराती. हूँ शू बोलूँ, मेरे साथ कोई सामे बोलवा पड़ू भी तो हो जो ही है ना. एकला एकला ना बोला है, अदरवाइज इट सीम्स वेरी फनी. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस यूज टू बी माई फेवरेट सब्जेक्ट. टेंथ तक मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स वुड ऑल्सो बी मैथ्स. मैं मैथ्स में अच्छी थी बट टेंथ के बाद मुझे बहुत समझ भी नहीं आता था, क्योंकि टेंथ वाला जो बेसिक मैथ्स जो होता है ना उतना समझ में आता है. फिर जो इंटीग्रेशन डेरिवेशन वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर से जाती. सो दैट्स वाई आई चोज बायोलॉजी, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था.
कोई पूछ रहा है फेवरेट बॉलीवुड एक्टर. आई रियली लाइक राधिका आप्टे, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो. आई ऑल्सो लाइक राजकुमार राव. आई ऑल्सो लाइक विकी कौशल. और कौन, दीपिका, उसको भूल गई, शी इज ऑलवेज बीन माई फेवरेट. हेलो अक्षय, हाय. आपका फेवरेट सिंगर? माई फेवरेट सिंगर, आई डोंट नो, श्रेया घोषाल. कोई पूछ रहा है 12th में कितने परसेंटेज आए थे. गाइज, आई स्कोर 87 और 85 परसेंटेज इन 12th साइंस. नॉट बैड ना. फेवरेट प्लेसेस कोई पूछ रहा है. माई फेवरेट प्लेसेस आर मे बी सी एम नेवर विजिटेड लेह लद्दाख, पर मुझे जाना है वहाँ पे, क्योंकि यार सबको पता है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है. सो आई हैव टू गो. ऑफकोर्स अभी नहीं, बट बाद में कभी जाऊँगी. एंड लंडन इज़ माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट डेस्टिनेशन. फेवरेट डिश कोई पूछ रहा है. फेवरेट डिश, यार मुझे नॉर्मली सारा इंडियन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, या साउथ इंडियन, या फिर पंजाबी. बेसिकली इंडियन खाने में जो जो चीज़ें आ सकती है सब मुझे बहुत पसंद है. चाट इज समथिंग जो मैं दिन भर खा सकती हूँ, सो आई थिंक चाट. या कोई पूछ रहा है डांस मुझे पसंद है. हाँ जी, डांस मुझे पसंद है, अच्छा लगता है मुझे. एंड या आई थिंक गाइस दैट्स इट. मज़ा आया यार आप सबके साथ बातें करने में. हाय सानिया, हाय, हेलो, हाय हार्दिक, हाय इतु, हाय गुज्जर, हाय बलराम. आई थिंक दैट्स इट गाइस. अभी मैं जाऊंगी, एक खाना खाऊंगी. आई होप यू ऑल हैड फन वॉचिंग दिस लाइव. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. एंड आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा. आई थिंक फिर से हम मिलेंगे. अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए घर पे, बातें करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, गेम्स खेलिए, थोड़ी बहुत कुकिंग कर लीजिए अगर आपको पसंद है तो. एंड दैट्स वॉट, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. बाय बाय गाइस, टेक केयर. Thank you.